तो गाइस यहाँ से दुनिया खत्म हो गया, यहाँ से कुछ नहीं आगे देख सकते हो। समझ में नहीं आ रहा इधर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज कुछ ब्लॉग ऐसा होने वाला है, आज हम लोग जा रहे हैं मैनपाट भैया के साथ, जो मेरा भाई है, छोटा भाई, वहाँ रहता है एकलव्य हॉस्टल में, तो उसको लेने जा रहे हैं। तो मैं सोचा थोड़ा सा ब्लॉग भी बना लेते हैं, तो चलिए चलते हैं मैनपाट और देखते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है। यहाँ तो काफ़ी धूप धूप है, तो वहाँ जाके देखते हैं कैसा नज़ारा है। तो चलिए चलते हैं मैनपाट, बने रही हमारे साथ। तो है गाइस, अभी हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं फिश पॉइंट में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फिश पॉइंट अचानक से कैसे पहुँच गए, तो असली वजह तो रास्ते का आता है। तो चलिए हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं और शुरू से आते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहुंच जाते हैं बाबू के हॉस्टल में। तो इसका हॉस्टल देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और बगल में ही है इसका स्कूल। तो स्कूल और हॉस्टल पास पास में होता है, तो इसको एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो स्कूल में गया था एप्लीकेशन देने, उसके बाद आ गए। वैसे अभी आए थे हम लोग हॉस्टल बाबू को लेने, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो अभी वो आ चुका है, तैयार वहार होकर बाहर निकल गया है। चलते हैं अभी हम लोग थोड़ा सा घूमने फिरने, और पीछे देख सकते हैं हॉस्टल और इधर स्कूल। चलिए चलते हैं। अभी सोचते हैं कि घूमने जाएंगे, तो कहाँ घूमने जाएंगे आपको बताता हूँ। और मैं अभी ग्राउंड में हूँ इन लोग के, ये देख सकते हैं कितना बड़ा ग्राउंड, कितना बड़ा स्कूल, कितना बड़ा हॉस्टल। चलिए चलते हैं घूमने कहीं ना कहीं। पहुँच चुके हैं फिश पॉइंट में, यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। और इधर जाना है अपन लोग को, तो अभी जाएंगे। तो मैं सोचा ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ, तो चले चलते हैं नीचे। अभी सीढ़ी शुरू हो चुका है गाइस, और यहाँ सावधान सेल्फी लेना मना है बोल रहे हैं, लेकिन हम सेल्फी थोड़ी ले रहे हैं, हम तो वीडियो बना रहे हैं। तरह का नज़ारा है कुछ, ये देख सकते हैं झरना, और ये भैया लोग जा रहे हैं नीचे। ये रहा झरना फिश पॉइंट का, और बाकी आपको नीचे जाके तो दिखाऊँगा ही, यहाँ से एक बार देख लीजिए। चलिए चलते हैं नीचे और नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ, क्योंकि उन लोग कहाँ पे खड़े हैं देख सकते हैं। जाते हैं नीचे वहाँ का, देखते हैं उन लोग खड़े कैसे हो गए। बस यहाँ पे पानी को इकट्ठा किया गया है, और ये बह रहा है इस तरह से, और कपल देख सकते हैं गाइस। और आगे बढ़ते हैं इधर, इधर का तो नज़ारा अच्छा है। और यहाँ कुछ है लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा, खतरा है मतलब कुल मिला के। और ये देखिए जन्नत, ये एक झरना इधर, एक झरना इधर, दो दो झरना। लेंगे ना, दुइयो हाथ। तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं एक और जगह है, तो जलपरी या क्या बोलते हैं वहाँ। तो निकलते हैं अपना बैग बस्ता पकड़ के, बने रही हमारे साथ, काफ़ी मज़ा आया यहाँ भी। एक जगह और जाना है अभी, वहाँ जाते हैं, बने रही है गाइस। जा रहे हैं बूढ़ा नाग, जलपरी नहीं मिला हम लोग को, पता नहीं किधर है, इधर जाएंगे। तो अभी हम लोग इस तरह की जगह में रुके हुए हैं एक बार और फिर से। तो ये देखिए इधर का नज़ारा काफ़ी गहरा है यहाँ से इधर। फोन में आपको ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन बहुत गहराई है। ये देखिए भीड़,
दुनिया खत्म। तो गाइस यहाँ से दुनिया खत्म हो गया, यहाँ से कुछ नहीं आगे देख सकते हो, इधर से आगे कुछ नहीं है। रास्ता भूल गए हैं गाइस, रास्ता पता कर रहे हैं। हम लोग भूलते भूलते मतलब भटकते भटकते फाइनली आ चुके हैं अपने घर। तो आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, टाटा।